हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू ईस्कैट गाइस। आई एम अंकित शर्मा और हम कंटिन्यू करने वाले हैं एग्जैट एग्जाम के लिए पीवाईक्यू सीरीज। तो काफी सारी क्लासेस हम ले चुके हैं, एलजेब्रा की पीवाईक्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं, ज्योमेट्री की पीवाईक्यूज की भी एक क्लास हो चुकी है। तो उस क्लास को अगर नहीं देखा है तो आप उस क्लास को पूरा देख लें, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन वहां भी सॉल्व किए हैं। इस क्लास में ज्योमेट्री के बहुत अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि रिसेंट ईयर्स में आपको पूछे गए। ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होने वाले है ना। और हम केवल क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चंस के आसपास जो प्रॉपर्टी और बन सकती है, जो और फैक्ट होते हैं, उनको भी हम लिखते जा रहे हैं। उन प्रॉपर्टीज, उन फॉर्मूलाज को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टीज और फॉर्मूलाज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंट ईयर में पूछे गए हैं। आपको एक आइडिया लगता है स्टूडेंट्स की किस लेवल तक क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस प्रॉपर्टी से एटलीस्ट हमें फेमिलियर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, so let's start this class without wasting any time. Let's solve the first question of this class. ये आपका पहला question है students. Exact 2023. मैं आपको suggest करूंगा students कि आप video को एक बार pause कर लें and try to solve this question. Because maximum students ये question गलत करके आ गए थे. Okay? So a non-flying ant wants to travel from the bottom corner to the diagonally opposite top corner of a cubical room. The side of a room is 2 meter. What will be the minimum distance that the ant needs to travel? बच्चों, ant जो है ना, उसको कहां से कहां तक जाना है? उसको cube के diagonally opposite जाना, मतलब cube का जो diagonal होता है ना, वो distance उसको cover करनी है। तो कई बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो cube के diagonal को गलती कर सकते हैं, बहुत भोले भाले बच्चे होते हैं। तो क्यूब के डायगोनल जो होता है अंडर रूट रूट थ्री ए, वो यहां प्लेस कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, क्या है स्टूडेंट्स क्यूब का डायगोनल? ये एक सरफेस का डायगोनल नहीं है कि आपने एक क्यूब की सारी सरफेस जो होगी सिक्स सरफेसेस होगी ऑल आर स्क्वायर, तो आप उसका डायगोनल ना ले लें। क्यूब का डायगोनल क्या होगा? इस कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर, ओके, मतलब बॉटम कॉर्नर जो आपको दिख रहा है, कोई भी एक बॉटम कॉर्नर जिस भी रूम में आप बैठे, वहां का आपने एक कॉर्नर लिया और उसके अपोजिट टॉप कॉर्नर, बच्चों उसके सरफेस पे ना लें, सेम सरफेस पे आप ना ले लें, क्लियर? तो ये एक लॉन्गेस्ट स्टिक दैट यू कैन प्लेस इन ए क्यूबिकल रूम, ओके। इस रूम में माना कि ये रूम पूरा क्यूब शेप का है, इसमें जो लॉन्गेस्ट स्टिक मैं प्लेस कर सकता हूं रूम के अंदर, वही आपका डायगोनल है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहां बोलेंगे स्टूडेंट्स अल्टीमेटली अगर मैं इस यहां समझाऊं आपको, तो आपका माना कि आपकी ये वर्टिसेस है ए बी सी डी, ओके, ई ई एफ जी एंड एच, ओके। आप यहां बोलेंगे स्टूडेंट्स कि ए से लेकर आपकी जो स्टिक है ना, मतलब जो डिस्टेंस आपको ट्रेवल करनी है, जो डिस्टेंस आंट को ट्रेवल करनी है, आंट ये चाहती है कि मैं ए से लेके ई पर चले जाऊं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? क्योंकि ये आपका डायगोनल होगा क्यूब के लिए, ए से लेके ई तक का, नॉट ए सी, इट इज ए ई। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ए आपकी लॉन्गेस्ट स्टिक है दैट यू कैन प्लेस इन दिस रूम। अब बच्चे बोलेंगे सर कि अगर ए से लेके ई तक ही जाना है तो क्यूब के डायगोनल का फॉर्मूला हमें पता होता है अंडर रूट थ्री ए। तो बच्चे, कई बच्चे टू रूट थ्री मार्क करके आ गए, जो कि पूरा गलत क्वेश्चन था, गलत ऑप्शन था आपका। कई बच्चे रॉन्ग आंसर की टिक करके आ गए थे, दैट इज टू रूट थ्री। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स? बिकॉज बोला है कि एक नॉन फ्लाइंग आंट है, तो ये डायरेक्ट नहीं जा सकती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे ये डायरेक्ट, ये नॉन फ्लाइंग है ना, तो ये डायरेक्ट नहीं जा सकती है, इसे चलकर जाना होगा, इसे सरफेसेस पे ही चलना होगा। अब एक छोटा सा बात जो समझ में आता है सर, वो ये समझ में आता है कि मैं आंट को ए से लेके जी तक भेज दूं और फिर जी से ई भेज दूं, तो क्या जो ये बॉटम सरफेस आपको दिख रहा है ए बी जी एच, क्या ये भी एक स्क्वायर है? बच्चे बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल स्क्वायर है ये भी। बच्चे ये बोलेंगे सर कि ए टू जी तक आना, मतलब ये साइड भी आपकी टू है, ये साइड भी टू है, हाइट भी आपकी टू है, बोलो यस और नो। आप बोलोगे सर ये टू है, ये टू है, क्या स्क्वायर का डायगोनल एजी जो है आपका
वो इस स्क्वायर शेप का डायगोनल है, तो वो रूट टू इंटू ए मतलब टू रूट टू तो हुआ आपका ए जी, और जी आपका हो गया टू। तो आपने टू यहां से कॉमन लिया तो रूट टू प्लस वन दिखा क्या? अच्छा टू रूट टू प्लस टू दिख रहा है। कई बच्चे जो टू रूट थ्री सॉरी जो टू रूट थ्री क्लिक करके ना आए वो ऑप्शन बी टिक करके आ गए, और वो भी इस क्वेश्चन का गलत आंसर था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। थोड़ी इजी क्वेश्चन होते हैं लेकिन ये पॉजिटिव मार्क देने की बजाय नेगेटिव मार्क दे देते हैं, क्लियर? तो आपका और डिक्रीमेंट हो जाता है आपके स्कोर के अंदर, है ना? तो नाउ स्टूडेंट्स आप बोलेंगे सर तो फिर कैसे भेजा जाए इसे? इसका शॉर्टेस्ट वे जो बनने वाला है वो शॉर्टेस्ट वे क्या बनने वाला है गाइस, इसको मिटा दे रहा हूं अभी के लिए, ठीक है? तो ये तो होगा आपके रॉन्ग ऑप्शंस, बी और सी तो आपके रॉन्ग है ही। बच्चों बच्चे बोलेंगे सर बी और सी को आप रॉन्ग बोल रहे हो, ठीक है चलेगा, लेकिन सर सही क्या है? सही तो बताओ। फ्रेंड्स सही की अगर हम बात करें, इंक में आपके लिए अलग रहता हूं, ठीक है? क्या बच्चों में अगर इस क्यूब को अनफोल्ड कर दूं, लाइक ए बी जी एच मेरा बॉटम है, ठीक है ना, ये मैंने इसके छह सर्फेसेस हैं, मैंने इसको ओपन कर दिया है पूरा, मैंने पूरा आपके लिए ओपन कर दिया है, ओके ना, छह सर्फेस होने चाहिए, एक यहां ये और रहा, एक यहां और रहा, और एक आपका रहा बच्चों यहां। ये आपके छह सरफेस जो है वो मैंने ओपन कर दिए एकदम। ए बी जी एच मेरा बॉटम सरफेस था, ये लो ए बी जी एच आपका बॉटम है। बच्चों बीजी से एडजेसेंट आपका बी जी सी ई आपको दिख रहा है, बी जी ई सी, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं स्टूडेंट्स? ये बी जी है, बी जी सी ई, ठीक है? तो सी यहां है और ई यहां है। बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि ए को ई मतलब ए पॉइंट से ई पॉइंट तक जाना है किसे? आंट को। तो इस अनफोल्डेड के अंदर हम इतना विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी इस फोल्डेड क्यूब के अंदर हम इतना विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अनफोल्डेड क्यूब में आप बोलेंगे सर ए से लेके ई तक डिस्टेंस हमें कवर करनी होगी, बोलो हाँ या ना? ए से लेके ई तक हमें डिस्टेंस कवर करनी होगी, और अगर ए से लेके ई तक की डिस्टेंस की बात करें, ये आपका टू है, क्या आपको ये बात पता पड़ती है स्टूडेंट्स की ए एच ई सी आपका एक रेक्टेंगल बन रहा है, ए एच ई सी आपका एक रेक्टेंगल बन रहा है, जहां ये टू है और अगली भी टू है, मतलब बेस आपका फोर बना और परपेंडिकुलर आपका टू है, तो क्या आप हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं गाइस? आप बोलोगे सर ए स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, व्हाट इज ए सी स्क्वायर गाइस? फोर स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, 16 प्लस 4 20, तो ए विल बी इक्वल टू व्हाट गाइस? 2 रूट 5। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होना था वो 2 रूट 5 होना था, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। कई बच्चे ऑप्शन बी और सी पर जो बहुत मासूम थे वो 2 रूट 3 करके आ गए, तो जो थोड़े समझदार थे वो 2 रूट 2 प्लस 2 करके आए, और जो बहुत अच्छे थे बच्चों वो ही ऑप्शन ई को करेक्ट कर पाए, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 2 रूट 5। I hope it is clear to you guys. Okay, तो I think ये बात समझ में आ चुकी है। पूरा unfold करके आप इसको visualize करेंगे, तो आप seconds के अंदर question को कर सकते हैं। चलते हैं students next question पर। ये काफी अच्छा question है और काफी बच्चे परेशान रहे थे इसके अंदर, और in fact ये category बहुत बच्चों को परेशान करती भी है। Okay? Two circles P and Q, each of radius 2 centimeter, passes through each other's center. बच्चों ध्यान दें। दो सर्कल हैं,
एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। ओके ना, सेंटर से पास हो रहे हैं मतलब आप बोलेंगे सर अगर ये इसका सेंटर है तो ये इसका सेंटर है, दैट्स इट, सेंटर है, ठीक है ना। ये आपका सर्कल P है, ये आपका Q है, P का सेंटर आप यहां देख पा रहे हैं, Q का सेंटर आप यहां देख पा रहे हैं, क्लियर ना। दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट A एंड B। ये कहां इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों? A एंड B पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहां हमने जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मैंने क्लाइंट ड्रॉ कर ली बच्चों, इसको बोला इसका नाम ए बी है आज से। ओके, ये आपका ए बी है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत। ए सर्कल आर इज ड्रॉन विद डायमीटर ए बी, डायमीटर ए बी को मानकर एक सर्कल ड्रॉ किया गया, ठीक है। ए सर्कल आर इज ड्रॉन विद डायमीटर ए बी, ठीक बच्चों, डायमीटर ए बी को मानकर अगर एक सर्कल ड्रॉ करें तो क्या वो हाफ सर्कल तो ऐसा बनेगा? आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है। हाफ सर्कल आपका ऐसा जाएगा और हाफ सर्कल आपका ऐसा जाएगा, और इस सर्कल को हम क्या बोलेंगे? ये एक आर सर्कल है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ओवरलैप बिटवीन सर्कल आर एंड पी? बच्चों ध्यान दें, आर का एरिया, बच्चों ध्यान देना, आर का एरिया क्या आपको ये आर का एरिया दिख रहा है? और पी का एरिया जो ओवरलैप कर रहा हो, पी का एरिया जो ओवरलैप कर रहा हो, आप कहोगे सर हमें ये पी का एरिया है और जो आर के एरिया से, पी का एरिया तो पूरा दिख रहा है और जो आर के एरिया से ओवरलैप कर रहा है, मतलब ये ब्लू कर्व लाइन जो मैंने बनाई है आपके लिए, ब्लू कर्व रीजन जो मैंने आपके लिए बनाया है बच्चों, इसका एरिया आपको निकालना है, क्योंकि ये वो एरिया है, ब्लू कर्व एरिया वो एरिया है जो पी और आर सर्कल का ओवरलैप एरिया है। इस रिमेनिंग एरिया के अंदर आप देखोगे सर, इस रिमेनिंग अंदर एरिया के अंदर पी सर्कल नहीं आ रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप यहां एक बात समझेंगे बच्चों कि हमें निकालना है एरिया, ये कंप्लीट एरिया मुझे बताना है, ये क्वेश्चन की मांग है। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है बच्चों, ये क्वेश्चन की मांग है। अब स्टूडेंट्स अगर बात करें तो मैं दो तरीके से निकाल सकता, दो रीजन मुझे दिख रहे होंगे यहां। एक रीजन तो ये रहा, मतलब हाफ ऑफ दिस, हाफ ऑफ, हाफ एरिया ऑफ सर्कल आर, प्लस आप बोलोगे सर इसके अलावा हमें ये रीजन और दिखाई दे रहा है, इन दोनों का सम अगर हमने निकाल लिया, इन दोनों का सम अगर हमने निकाल लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा, बोलो यस। तो आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है, क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है गाइस, नाउ ध्यान दें। अब बच्चों एक छोटी सी बात को समझ, क्या बच्चों इस एरिया को निकाल लेना बहुत इजी बात है? सर बहुत इजी बात कैसे है सर? अगर हमें ए बी पता पड़ जाए, अगर हमें ए बी पता पड़ जाए तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो? मतलब इस सर्कल का डायमीटर पता पड़ गया, सर्कल का डायमीटर मतलब हाफ ऑफ डायमीटर, हाफ ऑफ डायमीटर जो होगा वो रेडियस होगा, मतलब सर्कल आर की रेडियस पता करनी है तो ए बी को पहले पता करना होगा। तो आओ करें कलाकारी। तो मैंने इस सेंटर से, इस कट पॉइंट से, ए से दोनों सेंटर्स को ज्वाइन किया और दोनों सेंटर्स को आपस में ज्वाइन किया, क्या बच्चों ये दोनों एक दूसरे के सेंटर पर है? मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो इनकी रेडियस के इक्वल है। अगर इस सर्कल, इस P सर्कल के सेंटर को P सर्कल के सर्कमफेरेंस से ज्वाइन कर रहा हूं तो ये भी तो इसकी रेडियस होगी, ये भी आपकी रेडियस होगी। तो आपने कहा सर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना जिसमें सभी साइड 2 2 2 है, बोलो हाँ या ना। सिमिलरली अगर मैं B से ज्वाइन कर लूं गाइस तो क्या यहां सभी साइड आपको 2 2 2 ही मिलने वाली है? बिकॉज़ ये भी तो रेडियस डिनोट कर रही होगी। आपने कहा सर ये बात समझ में आ गई है हमें, कि बहुत इजी बात दिख रही है सर हमें, कि इस ए बी आपका जो निकालना है डिस्टेंस, चेंज यू बोलो
कि अगर मैं इस एक ट्राइंगल की हाइट निकाल लूं, यहां तीनों साइड आपकी टू 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 है, किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट क्या होती है स्टूडेंट्स, रूट थ्री बाय टू इंटू ए, रूट थ्री बाय टू इंटू टू। तो आप बोलोगे सर ये रूट थ्री जो आया है सर, अगर ये डिस्टेंस रूट थ्री है तो ये भी रूट थ्री होगी, मतलब ए भी आपका टू रूट थ्री होगा। बोलो यस और नो, अगर ये आपका रूट थ्री आया है तो ये हाइट भी आपका रूट थ्री आना है, बिकॉज सेम डायमेंशन है, ये भी टू है, ये भी टू है और बेस भी टू है। आपने कहा सर इसका मतलब इस सर्कल की रेडियस जो ग्रीन सर्कल जो आर सर्कल है उसका डायमीटर हमें टू रूट थ्री दिखता है तो रेडियस हमारी रूट थ्री होगी। तो इस आर सर्कल का जो सेमी सर्कल है उसका एरिया, इस रीजन का एरिया जो हमें निकालना है, या बोलोगे तो बहुत इजी बात है सर, वन बाय टू पाई आर स्क्वायर। अरे बोलो यस और नो, आपने कहा वन बाय टू पाई आर कितना है बच्चों, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, तो ये तो आ गया थ्री पाई बाय टू। मतलब जो एरिया में निकालने थे उसमें से एक एरिया तो पता पड़ गया था, वो है हमारा थ्री पाई बाय टू। इज दिस क्लियर गाइस? अब हमें रिमेनिंग एक एरिया और निकालना है, वो एरिया कौन सा है स्टूडेंट्स? आप बोलोगे सर ये वाला एरिया है, बोलो यस और नो, और इन दोनों एरिया को ऐड कर दो थ्री बाय थ्री पाई बाय टू में। अगर आप इस ग्रीन एरिया को आप अगर ऐड कर देंगे आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो आपने कहा बच्चों, छोटी सी बात, आपने कहा सर एक काम ये करते हैं सर, देखो समझना बात को, बहुत अच्छी बात होने जा रही है बच्चों। अगर मैं इस पूरी एरिया में से, अगर मैं इस पूरे एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं, इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो क्या मुझे मेरा डिजायर्ड एरिया मिल जाएगा? आप बोलोगे बिल्कुल मिल जाएगा, बोलो यस और नो। तो ये पूरा बच्चों, क्या ये एंगल 60 डिग्री था? आपको दिखने रहा होगा, क्या ये एंगल 60 डिग्री था? हाँ सर ये 60 था। तो ये पूरा आपका 120 डिग्री था। 120 डिग्री मतलब इस सेक्टर का एरिया OAB जो पूरा कर्व आपको दिख रहा है, इस पूरे सर्कल के इस सेक्टर का एरिया जो होगा वो 120 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, तो मतलब 1/3 होगा। बोलो यस और नो, बिकॉज कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है। तो किसी भी सेक्शन का एरिया क्या होता है गाइस, लिख लो चाहो तो, थीटा बाय 360, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहां बोलोगे सर थीटा तो 120 है, 120 बाय 360 अल्टीमेटली आया तो 1/3। अरे बोलो यस और नो, आपने कहा 1/3 करो, पाई आर स्क्वायर भी करना पड़ेगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर। बच्चों यहां रेडियस आपको इस पूरे सर्कल की रेडियस 2 दे रखी है क्या? आप बोलोगे पाई, दैट्स इट। अब आप बोलोगे सर तो ये जो एरिया आया है आपका वो आ गया है 4π/3। अब अगर इस 4π/3 में से, इस पूरे एरिया में से ये जो 120 डिग्री वाला सर्कल आपको दिख रहा है एक, इस पूरी एरिया में से, अच्छा ये क्या कर दिया मैंने, कौन से इंक ले लिए मैंने, वन सेकेंड, इस पूरे एरिया में से मुझे इस ट्राइंगल का एरिया भी तो सब्ट्रैक्ट करना है, तभी तो मेरा रिमेनिंग एरिया आएगा। बोलो हाँ या ना। ट्राइंगल का एरिया क्या है सर? बच्चों ट्राइंगल की दो साइड्स पता है, उसके बीच का एंगल पता है, तो क्या ट्राइंगल का एरिया निकालना बहुत इजी बात है? आप बोलोगे सर एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 इंटू AB साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो यहां दो साइड आपकी कौन कौन सी है सर, इसको ओ ले लिया तो OB आपकी 2 है, OA आपकी 2 है, और इनके बीच का एंगल कितना है स्टूडेंट्स, 120 डिग्री। तो आप बोलोगे सर 1/2 इंटू 2 इंटू 2 साइन 120, क्या आपको ये बात पता है बच्चों, साइन 120 इज नथिंग बट cos 30। तो आप बोलोगे सर 2 इंटू 2/2 इंटू √3/2। आपने कहा सर खत्म करो ना सर, क्यों परेशान कर रखा है, ये आपका √3 बनता है। बोलो यस और नो,
मतलब ये पूरा एरिया आपका 4π/3 था, उसमें से अगर मैं इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास रिमेनिंग ये एरिया बचेगा जो मुझे फाइंड आउट करना है। तो आपने कहा सर कर दो, आप कहोगे सर मतलब 4π/3 आपका रिमेनिंग एरिया बना है, बोलो यस और नो। और इस सेमी सर्कल का एरिया कितना था बच्चों? सेमी सर्कल का एरिया था 3π/2। तो अगर मैं फाइनल आंसर चाहता हूं बच्चों, तो आप बोलेंगे, अगर मैं फाइनल आंसर चाहता हूं तो आप बोलेंगे फोर पाई बाय थ्री माइनस रूट थ्री में ये आपका एरिया है, इसके अंदर आप क्या ऐड कर दें? 3π/2। 3π/2 प्लस 4π/3 माइनस रूट थ्री, तो आप बोलोगे सर एलसीएम आ गया 6, तो 9π + 8π, 17π/6 माइनस रूट थ्री इज द करेक्ट आंसर। 17π/6 माइनस रूट थ्री, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। वी आर नॉट हैविंग ए सिंगल इश्यू इन दिस क्वेश्चन गाइस। काफी अच्छा क्वेश्चन था और काफी बच्चे परेशान रहते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। बच्चों ध्यान दें, लेट पी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस 3x + 2y इक्वल टू 2a, 7x + 2y इक्वल टू 2018 एंड क्यू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस 3x + 4y इक्वल टू 2018 प्लस 5x + 3y इक्वल टू 1। इफ द लाइन थ्रू पी एंड क्यू हैज अ स्लोप ऑफ 2, द वैल्यू ऑफ ए इज व्हाट? काफी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन में कंफर्टेबल नहीं थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कुछ बेसिक बातें यहां पूछी गई थी आपसे। तो देखो बच्चों, दो पॉइंट है आपका, है ना, एक आपका पी है एक आपका क्यू है। ये आपका पी पॉइंट, ये आपका क्यू पॉइंट। क्या कह रहा है बच्चों? क्यू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस 3x + 4y इक्वल टू 2018। ओके सर, ये क्यू पॉइंट दो लाइनों के इंटरसेक्शन से बना है बच्चों, 3x + 4y इक्वल टू 2018 एंड 5x + 3y इक्वल टू 1। एंड एक और लाइन जा रही होगी यहां पे, 5x + 3y इक्वल टू 1। क्या ये बात समझ में आए? हाँ सर। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट गाइस? 3x + 4y 2018 ये लाइन आपकी जा रही है और इस लाइन की इक्वेशन आपकी 5x + 3y + 1 इक्वल टू 1। इन दोनों के इंटरसेक्शन से बना है क्यू, और पी किन किन से बना है बच्चों? पी आपका किन लाइन दो लाइन के इंटरसेक्शन से बना है? पी आपका, माना कि आपकी दो लाइन को जैसे जा रही है, ये आपका पी है और ये बना है आपका 3x + 4y। ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, इतना काम एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कैसे होता है, कैसे काम करती है सारी चीजें। बच्चों क्या आप मेरी बात से अग्री करते हो कि क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर निकालने हैं तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो? आपने कहा सर ये इतनी इजी बात हमसे, एक्स और वाई की वैल्यू निकलवा रहे हो हमसे आप, 3x + 4y इक्वल टू 2018। बच्चों मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूं, चलो मैं लिख देता हूं एक बार आपके लिए, 5x + 3y इक्वल टू 1। अगर मैं इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 15x + 20y इज इक्वल टू, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10,090 मिलेगा, बोलो यस और नो। और जहां मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 15x + 9y इक्वल टू 3। आपने कहा सर सॉल्व कर लिया हमने, ये सॉल्व करना बहुत इजी बात है हमारे लिए, 11y इक्वल टू 10090 माइनस 3, मतलब 10080
87 बना, बोलो यस और नो। आप बोलोगे सर y इक्वल टू कितना आ गया, वैल्यू पुट कर कैंसिल हो रहा है, 9 टाइम्स 18 मतलब 1 टाइम और बचा 7 मतलब 7 टाइम। तो y इक्वल टू आया हमारे पास 917। तो 5x प्लस 3y इक्वल टू 917 है, तो आप बोलोगे 5x प्लस 3 इंटू 917 इक्वल टू 1। तो x विल 5x विल बी इक्वल टू व्हाट गाइस, 917 को 3 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 2751 मिला, माइनस 1 उधर जाके करेंगे तो माइनस 2750 बना, मतलब 1 माइनस 2751। तो यहां पे x इक्वल टू आपको मिल जाएगा माइनस 553। मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता पड़ गए हैं हमें, ये कोऑर्डिनेट है हमारा माइनस 550,917। आई थिंक ये बात समझ में आ चुकी है, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बच्चों पी पॉइंट जो है, देखिए स्टूडेंट्स, क्या एक पॉइंट जो कि आपका इस पॉइंट से पास, इस एक लाइन जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है और जिसका स्लोप आपको 2 दे रखा है, तो क्या उसकी इक्वेशन लिखना इजी बात है? ये फॉर्मूला आना चाहिए, एक कोऑर्डिनेट पता है और उस लाइन का स्लोप अगर पता है तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। क्या ये बात क्लियर है? y माइनस y1, y माइनस 917, बोलो यस और नो, y की वैल्यू आई है 917 इक्वल टू, स्लोप कितना है गाइस, बोला है कि स्लोप 2 है, x माइनस x1, बच्चों x1 की वैल्यू तो माइनस 550 है, बोलो यस और नो। तो आपने कहा सॉल्व कर लो सर, क्यों परेशान किया जा रहा है, y माइनस 917 इक्वल टू 2x प्लस 1100। तो आपने कहा सर ये सॉल्व करने पर कुछ हमें 2x माइनस y इज इक्वल टू 1100 को हमें इधर ट्रांसफर किया बच्चों, तो ये माइनस का आपको 2017 मिला। क्या ये बात किस तरह क्लियर है? तो ये आपकी इक्वेशन आई है 2x माइनस y इक्वल टू माइनस 2017, मतलब 2x minus y equal to minus 2017, clear बच्चों? अब इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर बच्चों आप कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे? बच्चे बोलेंगे ऐसे कि दो लाइन 7x plus 2y equal to 2018 और 2x minus y equal to minus 2017 are intersecting each other at point P। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर। अगर पॉइंट P के अगर मिल गए कोऑर्डिनेट, तो x और y की वैल्यू यहां पुट करेंगे आप, तो यहां 2a की वैल्यू निकालना आपके लिए इजी हो जाएगा, x और y की कुछ वैल्यूज आपको मिलेगी, सॉल्व करके आपको a की वैल्यू निकालनी होगी, निकल जाएगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा आपके लिए। डू यू एग्री विद मी गाइस? तो दो इक्वेशन दिख रही है सर, एक तो ये दिख रही है और अगली दिख रही है सर 7x plus 2y equal to 2018, 7x plus 2y, 7x plus 2y equal to 18। एक और क्या है बेटा, 2x minus y equal to minus 2017। बच्चों हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है 3x plus 4y। बच्चों अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं, बच्चों बात समझने ध्यान से, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x minus 2y equal to minus 4034 मिला। Do you agree with me guys? अब ध्यान दें केवल इन दो इक्वेशन के ऊपर, हमें निकालना है, अगर मुझे कहीं से 3x plus 4y की वैल्यू मिल गई, अगर मुझे कहीं से 3x plus 4y की वैल्यू मिल गई, तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो? देखो इन दोनों को सॉल्व करके हमें 3x plus 4y मिलना चाहिए। बच्चों अगर मैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब साइन चेंज कर दूं, आप बोलोगे सर 10x में से 4x गया 3x बना, 2y में 2y ऐड हुआ 4y बन गया, इक्वल टू कितना बन जाता है 2018 प्लस 4034, तो 6052 बन जाता है। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? 3x प्लस 4y इक्वल टू 6052, मतलब 3x प्लस 4y क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2a के इक्वल आ रहा है और हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है बच्चों,
3x plus 4y हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 6052, मतलब 2a जो है आपका 6052 के इक्वल है, तो a आपका 6052 का हाफ 3026 होगा, इसीलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं थी, पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं थी, काफी अच्छे से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आई होप स्टूडेंट्स ये बात आपको किस तरह क्लियर हो चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां। नाउ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हम करेंगे फॉर श्योर, उससे पहले स्टूडेंट्स तीन क्वेश्चन आपके और बाकी है, ये न्यू कहेंगे ठीक है। ऑर्डर में ही चलते हैं हम ठीक है। शिरीन ड्रॉज ए सर्कल इन हर कोर्टयार्ड, शी देन मेजर्स द सर्कल सर्कमफेरेंस एंड इट्स डायमीटर। बच्चों सर्कल का सर्कमफेरेंस तो 2πr होता है और डायमीटर 2r होता है। बच्चे बोलेंगे सर r से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, हमारा आंसर पाई बना। सर पाई तो 22/7 होता है, 22/7 होता है ठीक है। एंड इट्स डायमीटर विद अ मेजरिंग टेप एंड रिकॉर्ड देम एज टू इंटीजर्स a एंड b रेस्पेक्टिवली। शी फाइंड दैट a एंड b आर कोप्राइम्स, दैट इज देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 1। She also finds their ratio is a is to b, that is 3.14, repeating endlessly. What is a minus b? तो बच्चे क्या करेंगे सर? बच्चे बोलेंगे सर ये तो पाई माना, पाई होता है आपका 22/7। बच्चे बोलेंगे सर ये a by b के इक्वल है। हाँ सर ये दोनों कोप्राइम हैं। तो बच्चे कई बच्चे 22 और 7 का डिफरेंस 15 मार्क करके आ गए, जो कि गलत था, क्योंकि आपका पाई जो होता है वो एग्जैक्ट 22/7 के इक्वल नहीं होता है। पाई आपका एक इरेशनल नंबर होता है जिसकी लगभग वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन एग्जैक्ट पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 3.1428। इसके अंदर ना तो रिपीटिंग पैटर्न बनता है और ना ही ये डिवीजन कभी टर्मिनेट होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये अगर बेसिक सी बात नंबर्स में आपने पढ़ी है कि क्या होते हैं रैशनल नंबर, क्या होते हैं इरेशनल नंबर, तो आपको यहां बात पता पड़ जाएगी बच्चों, जब उसने मेजर किया था तो उसको एक रिपीटेड पैटर्न मिल रहा था 1416 1416, मतलब उसको एक रैशनल नंबर मिल रहा था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर बच्चों? ध्यान दें, ये आपका ऑप्शन डी आपका गलत आंसर होने वाला है। अगर उसको ये कुछ नंबर मिला है बच्चों, तो ये आपको अब आपके नंबर्स के अंदर अगर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल पढ़े हैं तो ये चीज आपके लिए बहुत ही बन जाएगी। 3.1416 ठीक है ना, ये अगर आपकी वैल्यू है, इसको आपने एक्स मान लिया, ये बार है बच्चों, बार को कैसे चेंज करना आता है, माना कि आपको नहीं आता है बच्चों, आपके लिए पूरा सॉल्व कर रहा हूं मैं। 1416 1416 1416 ये जाने वाला है 100। मैंने इस x को मल्टीप्लाई किया बच्चों 10,000 से, किससे 10,000। तो ये 10,000 से क्यों मल्टीप्लाई करो? जितनी टर्म आपकी रिपीट हो रही है, जो पैकेट आपका रिपीट हो रहा है उसमें जीरो आप लगाओ, एक के बाद आपका आंसर हमेशा सही बनेगा। या ये तरीका है बच्चों, अगर मैंने इस नंबर को 10,000 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या आपके चार जीरो आगे कैसे जाएंगे? 3.1416 1416 1416 and so on। अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं गाइस, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या 999x इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो पॉइंट के बाद जितना भी है बच्चों ये सब तो मामला कैंसिल हो जाना है। अरे बोलो ये सो, तो यहां बोलोगे सर 31416 में से अगर 3 गया तो ये बनता है हमारे पास 3141। तो x की वैल्यू क्या आती है सर? x की वैल्यू आती है 31413 होल अपॉन 999। चार बार नहीं आ रहा है क्या बच्चों? ये कैंसिल हो रहा है आपका।
हाँ सर ये कैंसिल हो रहा है, किससे कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल हो रहा है सर, 1 टाइम, 0 टाइम, 4 टाइम, 7 टाइम, 1 टाइम अपॉन 3, 3, 3, 3। अब बच्चों ये नंबर उसके बाद देखो 3 से चेक कर लिया, हम 11 से चेक कर लेंगे तो पता पड़ेगा 11 से भी डिविजिबल नहीं है, हम 101 से भी चेक कर लेंगे, क्लियर, तो ये 101 से भी डिविजिबल नहीं है, दैट्स इट। आपने कहा सर आपका फाइनल नंबर जो आया है वो आया है 10471 अपॉन 333, जो कि a बाय b की फॉर्म में, दोनों कोप्राइम भी है, इन दोनों का डिफरेंस आपको चाहिए। देखो डायट कैसे करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा, डायट कैसे करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा, इन दोनों का डिफरेंस आप बोलोगे सर 10,471 में से 3,333 ले जाना है, तो लास्ट में 8 आपका आना चाहिए, 8, 7,008, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन दोनों का डिफरेंस आप चेक कर लें बच्चों, आपको यही मिल रहा होगा, हैव यू गॉट माय पॉइंट। देखो बच्चों कितनी छोटी सी बात है बेटा, 11 में से 3 गया 8 बचा, 6 में से 3 गया 3 बचा, अरे आर यू गेटिंग माय पॉइंट, उसके बाद 4 में से 3 गया 1 बचा, 10 में से 3 गया 7 बचा, 7138 इज द करेक्ट आंसर। दोनों का डिफरेंस पूछा था ना, आंसर आ गया ऑप्शन बी। बच्चों इतना समय खराब किए बिना भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, है ना, इतना समय खराब किए बिना भी आप इस क्वेश्चन को काफी कंफर्टेबली कर सकते थे। नाउ कुछ ध्यान दें, कैसे चेंज करते हैं, जब भी आपको पता पड़ जाता है बच्चों कि कुछ बार आपको दे रखी है, बार वाले नंबर्स को कैसे हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 3.1416 बार, बच्चों आप क्या करते हैं, पहले आप पॉइंट और बार को इग्नोर करते हैं, 31416 आया इस पूरे नंबर में से, 31416 आया इस पूरे नंबर में से, जिसपे बार नहीं है उसको सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो कितना बनता है बच्चों, 31413 बनता है, क्या ये काम हो सकता है, अपॉन पॉइंट के बाद जितनों पे बार है उतने 9 और जितनों पे बार नहीं है पॉइंट के बाद उतने 0, तो एक भी नंबर पे बार, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिस पे बार ना हो, इसलिए बच्चों एक भी 0 नहीं आएगा और जितनों पे बार है उतने 9 आ गए। क्या आपको ये नंबर डायरेक्ट मिल गया बच्चों, इसको आपको सॉल्व करना था, आपने सॉल्व कर लिया, 10471 होल अपॉन 3 से कट गया बच्चों, 3 से कट गया दोनों नंबर, दोनों का डिफरेंस 7138। क्या ये कन्वर्जन आपको पता है, क्या ऐसे आपको वैल्यूज को कैलकुलेट करना आता है स्टूडेंट्स, अगर चीजें किस तरह क्लियर हो रही है तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करें, आई गारंटी यू गाइस कि आप बहुत कुछ सीख जाएंगे इन क्वेश्चंस के थ्रू। चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक यूज हो रहा होगा यहां, ए टॉल टावर हैज इट्स बेस एट पॉइंट के, 3 points ABC are located at distance of 4 meter, 8 meter and 16 meter respectively from K. बच्चों ध्यान दें। A tall tower has its base at point K. ठीक है। बच्चों यहां से लेके यहां तक मैं यहीं सॉल्व कर लेता हूं आपके लिए, ठीक है? ये आप देख पा रहे हैं बच्चों? ये आपका के इसका बेस है, और क्या होता है बच्चों, एबीसी एबीएनसी आर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर 8 मीटर एंड 60 मीटर, ये 4 मीटर की डिस्टेंस पे ए है, 8 मीटर की डिस्टेंस पे बी है, ये 4 मीटर, ये पूरा आपका 8 मीटर और सी आपका पूरा 16 मीटर की डिस्टेंस पे, सी आपका कंप्लीट 16 मीटर की डिस्टेंस, ओके 16 मीटर की डिस्टेंस। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए एंड सी आर कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब बच्चों इसका मतलब क्या है कि ए से लेके सी तक ये एंगल जो है आपका और जो ये एंगल है ये कॉम्प्लीमेंट्री विथ ईच अदर है, मतलब ये एंगल अगर थीटा है
ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, क्लियर। आप यहां से बोलेंगे बच्चों कि सर अगर मैं यहां से बात करूं, इसकी हाइट मैंने एक्स मान ली बच्चों, कुछ भी मान लो आप, एक्स मान लिया आपने, तो क्या टैन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा? तो एक्स अपॉन 16 आपका टैन थीटा होगा, बोलो यस होगा। तो यहां से आप टैन थीटा बोलेंगे एक्स अपॉन 16, मतलब सबसे बड़े ट्रायंगल के अंदर जो आपको दिख रहा है, सबसे बड़ा ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है के से लेके सी, इसको ओ मान लो, ओ के सी जो ट्रायंगल दिख रहा है उसके अंदर टैन थीटा कैलकुलेट किया तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आया। अगर मैं इस छुटकू ट्रायंगल ओ के ए में टैन 90 माइनस थीटा कैलकुलेट करूं तो वो आएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चों क्या ये टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के इक्वल होता है? और कॉट थीटा के अगर इक्वल होता है ये, तो आप बोलोगे सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, तो ये एक्स है आपका, ये आपका एक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, या यूं कहो कि कॉट थीटा अगर है, कॉट थीटा आपका टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, बोलो यस हो, तो यहां से टैन थीटा आएगा 4 बाय एक्स के इक्वल, मतलब x बाय 16 मस्ट बी इक्वल टू x बाय 4 बाय x। यहां से अगर tan थीटा निकालोगे तो वो आएगा 4 बाय x के इक्वल। ये भी tan थीटा है, ये भी tan थीटा था, दोनों इक्वल होने चाहिए। x स्क्वायर इक्वल टू 64, x इक्वल टू 8 बना। इज दिस क्लियर टू यू गाइस? x आपका 8 बन गया है, मतलब ये हाइट आपकी 8 आपको दे रखी है। ये हाइट अगर आपकी 8 है तो ट्रायंगल OKB के अंदर, बच्चों ध्यान दें, ट्रायंगल OKB के अंदर अगर मैं ये एंगल निकालूं बच्चों OKB ऐसा बनेगा, अगर ये एंगल अल्फा मान लिया मैंने, तो आप बोलोगे सर tan अल्फा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर जो कि 8 है, बेस जो कि 8 है 1 आया, tan थीटा, tan अल्फा अगर बना रहा है तो अल्फा मस्ट बी 45 डिग्री। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक काफी इजी क्वेश्चन था और आप काफी कंफर्टेबल इस एक्सप्लेनेशन के अंदर, बहुत बेसिक सी बात थी। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। टू लाइट हाउसेस लोकेटेड एट पॉइंट ए एंड बी ऑन द अर्थ आर 60 फीट एंड 40 फीट टॉल रेस्पेक्टिवली। बच्चों ध्यान दें, हम इसको डायरेक्ट तरीके से भी कर सकते हैं और सिमिलरिटी प्रूव करके भी कर सकते हैं, क्लियर। तो दो लाइट हाउस है बच्चों, वो कुछ ऐसा आपका डायग्राम बनेगा बच्चों, ठीक है। एक लाइन आपकी ऐसी आ रही है, एक लाइन आपकी ऐसी जा रही है, एक लाइन आपकी ऐसी जा रही है। Now, ये आपके 90 डिग्री पे है, दैट्स इट। ये भी आपका 90 है, ये भी आपका 90। इसकी हाइट 60 है, इसकी हाइट 40 है। ये कुछ पॉइंट्स आपको दिए हैं बच्चों, टू पॉइंट ए एंड बी। इसका टॉप पॉइंट ए डैश है, इसका टॉप पॉइंट बी डैश है। अगर हम बच्चों ध्यान दें, ईच लाइट लाइट हाउस इज परफेक्टली वर्टिकल and the land connecting A and B is perfectly flat. Okay. The topmost point of the lighthouse A is A dash and the lighthouse of B is B dash. Draw line segments A dash B. अगर मैं A dash B join करूं, अगर मैं A dash B join करूं और B dash A join करूं, तो ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं, वो है आपका सी डैश, और यहां से परपेंडिकुलर आपका आता है सी। बच्चों क्रॉस लेदर थ्योरम, ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम सी डैश टू टच द अर्थ एट पॉइंट सी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी सी डैश? बच्चों अगर आपको ये बात पता है कि तीन पैरेलल लाइन अगर ऐसे जा रही है
क्रॉस लेदर थ्योरम क्या बोलती है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, यहाँ टच हुआ यहाँ से एक पैरेलल, ये तीनों लाइन आपकी पैरेलल होनी चाहिए, ए डैश सी सी डैश और बी बी डैश। ये अगर आपकी वाई है तो चुन्यू कर दे, ये अगर आपकी वाई है, ये अगर आपकी एक्स है, ये अगर आपकी जेड है। तो क्रॉस लेदर थ्योरम बोलती है सर वन अपॉन एक्स मस्ट बी इक्वल टू वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉन जेड। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस लेदर थ्योरम के ये शॉर्ट नोट्स हम डायरेक्ट लिख चुके हैं हमारे क्लासरूम नोट्स के अंदर, ज्योमेट्री जब मैंने पढ़ाई है स्टूडेंट्स इसी चैनल पर, तो आपको ये क्रॉस लेदर थ्योरम लिखाई है मैंने, और यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप बोलोगे वन अपॉन एक्स मस्ट बी इक्वल टू वन अपॉन 60 प्लस वन अपॉन 40, 60 और 40 के एलसीएम यहां 120 मिल रहा है, 2 प्लस 3 5 मिल रहा है, 1 अपॉन x 120 बाय 5 मतलब x इक्वल टू सॉरी 1 अपॉन x इक्वल टू 5 बाय 120 मतलब x इक्वल टू 120 बाय 5 जो कि 24 के इक्वल है। हैव यू गॉट दिस पॉइंट बच्चों? अगर ये फार्मूला आपको पता होता तो काफी इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है, लेकिन माना कि ये फार्मूला आपको नहीं पता था, आपको तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि ये ट्रायंगल जो बन रहे हैं सर सी सी डैश सी एंड ई, ये ट्रायंगल और ट्रायंगल बी डैश बी एंड ए और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर होने वाले हैं, और सिमिलर अगर होने वाले हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। ये अगर आपकी आप x ले रहे हो और इसको आप देखो x y z ऑलरेडी मान चुका था मैं, तो कुछ और आप मान ले, ये अगर आपकी a है, ये अगर आपकी b है, अभी आप बोलेंगे सर इन दोनों करस ये दोनों साइड्स का रेशियो e अपॉन b मस्ट बी इक्वल, इसको c मान लो आप, मस्ट बी इक्वल टू 40 अपॉन b प्लस c, बोलो ये सुनो। और सिमिलरली आप बोलेंगे बच्चों एक और ट्राइंगल जो मैं देख पा रहा हूं सर, वो ये देख पा रहा हूं कि ये ट्राइंगल बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छुटकू ट्राइंगल, ये दोनों भी सिमिलर होंगे, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी बनेगी, a अपॉन c और बड़े वाले ट्राइंगल की 60 अपॉन b प्लस सी। तो आप बोलोगे सर a अपॉन c मस्ट बी इक्वल टू 60 अपॉन b प्लस सी आना चाहिए। बेटा ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, मैंने पहली में दूसरी का डिवाइड दिया तो a से a कट गया, तो क्या आया c by b will be equal to 40 अपॉन, तो ये आ गया आपका 40 by 60, मतलब मैंने डिवाइड किया है इक्वेशन वन में सेकंड का डिवाइड दिया है, ये डिवीजन आपको आना चाहिए बच्चों 2:3 बना, मतलब b अगर आपका 3p है तो C आपका 2P होगा, बोलो यस और नो, क्लियर? अभी आप बोलेंगे यहां से एक छोटी सी बात, सर ये इतनी इजी बात करवा रहे हो हमसे, A हमें निकालना है सर, A की वैल्यू हमें नहीं पता है, B की वैल्यू 3P है, हमने यहां वैल्यू पुट कर दी बच्चों, A will be equal to A upon B is what 3P equal to 40 upon 3P plus 2P 5P। आपने कहा P से P कैंसिल करो, 8 times a equal to 8 is a 24. Are you getting my point, guys? 24 is the correct answer. ये similarity के concept आपको आने चाहिए, guys. Similar triangle को कैसे obtain करते हैं? Corresponding sides का ratio में equal करना होता है. I hope ये बातें आपको crystal clear है. Let's move to the last question of this class. The topmost point of a perfectly vertical pole is marked A. Perfectly vertical point है बच्चों, इसका topmost point हमने A बोला है, क्या बोला है बच्चों? A बोला है, ठीक है। The pole stands on a flat ground at D. The point B and C are somewhere between
डी यहां है और बी एंड सी आर समवेयर बिटवीन ए एंड डी ऑन द पोल फ्रॉम ए पॉइंट ई लोकेटेड ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड पर ई पॉइंट है, यहां से बच्चों द डिस्टेंस द पॉइंट ए बी सी आर एट एंगल्स ऑफ 60, 45, 30 degrees रेस्पेक्टिवली. ये एंगल आपका 60 है, ये आपका 45 है, ये आपका 30 है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? 60, 45 and 30. What is AB is to BC? मतलब this distance is to BC is to CD. इन तीनों डिस्टेंस का रेशियो आपको बताना है कि क्या होगा. बच्चों अगर मैं इस पूरे बड़े ट्रायंगल को कंसिडर करूं, पूरे बड़े ट्रायंगल को कंसिडर करूं, ये एंगल अगर 60 है, इस बेस को अगर मैंने x लिया है बच्चों, तो क्या ये पूरा AD मेरा अंडर रूट 3x होना चाहिए? सर ये बातें मैं आपको जो ज्योमेट्री की पिछली क्लास है ना जाके देखना, वहां पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने कि ऐसा हम डायरेक्ट क्यों ले सकते हैं. 60 डिग्री एंगल है, मतलब परपेंडिकुलर बेस का रेशियो √3:1 होना चाहिए. दैट्स इट. चाहे तो आप सॉल्व कर लें, AD अपॉन DE आपका होगा tan 60 डिग्री के इक्वल. और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? AD अपॉन DE करना था, कर दिया, तो ये √3:1. मतलब AD अगर √3x है तो DE आपका x होना चाहिए. काफी छोटी बात है बच्चों, आई होप बात समझ में आ चुकी. और बच्चों अगर ये एंगल 45 डिग्री है, 45 डिग्री जब होता है तो परपेंडिकुलर बेस की लेंथ क्या बन जाती है? इक्वल बन जाती है. मतलब ये लेंथ आपकी x ही रहेगी, x और x, तभी आपका एंगल 45 डिग्री बनेगा. बोलो यस. और सिमिलरली बच्चों ये छुटकू एंगल अगर 30 डिग्री का है तो आप बोलेंगे छोटी सी बात, सर ये अगर x है तो ये x बाय √3 होने चाहिए. बोलो ये सुनना. मतलब अगर मैं AB की बात करूं तो AB कितना है बच्चों हमारा? AB है हमारा पूरा √3x था, उसमें से कंप्लीट x को माइनस कर दो. बोलो ये सुनना, √3x में से x जाएगा तो AB बचेगा, बिकॉज BD की वैल्यू x है. अगर मैं BC की बात करूं बच्चों, पूरा BC पूरा BD कितना है? x है, x में से x √3 माइनस कर दो, x में से x √3 माइनस कर दिया बच्चों, तो मुझे BC मिल जाएगा. और CD कितना होगा बच्चों? सर CD तो भोला भाला दिख रहा है सर, x बाय √3 वैसे ही है. अरे बोलो ये सॉल्व, इसको सॉल्व करना है बच्चों, तो क्या हम सॉल्व कर सकते हैं? आपने कहा सर x सब में कॉमन लगे कैंसिल कर दो, तो यहां बना √3 - 1 - √3 - √3. अगर मैं यहां √3 एलसीएम लेता हूं, सॉल्व करता हूं, तो √3 - 1 - √3 - 1 / √3. क्या ये बात क्लियर होती है बच्चों कि √3 से अगर पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दूं, सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3 - √3 - √3 - 1 - 1. तो 3 - √3 - √3 - 1 - 1. तो ये पी वाई क्यूज हम सॉल्व किए हैं बच्चों, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्रिस्टल क्लियर हैं, किसी को कोई डाउट नहीं है किसी भी कंसेप्ट के अंदर. ऐसे ही शानदार वीडियोस जानने के लिए बने रहे एस्केट के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एंड प्लीज डाउनलोड द ऐप एस्केट की. एप्लीकेशन पर हम आपको कंप्लीट फॉर्म में सारी चीजें कवर करवा रहे हैं. डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द ऐप. ओके, प्ले स्टोर पर जाके लिखिए एस्केट, आपको ऐप मिल जाएगी, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेस क्लास. आई होप ज्योमेट्री के सारे पीवाईक्यूज कवर करने पे आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा. जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है बच्चों इस क्लास को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए.
ऐसे ही शानदार वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जैक्ट एग्जाम गाइस, थैंक यू सो मच।